रस्सी का सांप। एक बार एक दरोगा जी का मुंह लगा नाई पूछ बैठा, हजूर ये पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बना देते हैं? दरोगा जी बात को टाल गए, लेकिन नाई ने जब दो तीन बार यही सवाल पूछा तो दरोगा जी ने मन ही मन तय किया कि इस भूतनी वाले को बताना ही पड़ेगा कि रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में नाई से बोले, अगली बार आऊंगा तब बताऊंगा। इधर दरोगा जी के जाने के बाद ही चार सिपाही नाई की दुकान पर छापा मारने आ धमके, मुखबिर से पक्की खबर मिली है, तो हथियार सप्लाई करता है, तलाशी लेनी है दुकान की। तलाशी शुरू हुई। एक सिपाही से नजर बचाकर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जैसे खुदाई से निकला हो ऐसा जंग लगा हुआ असलाह छुपा दिया। दुकान का सामान उलटने पलटने के बाद एक सिपाही चिल्लाया, ये रहा पिस्तौल। छापा मारी अभियान की सफलता देख के नाई के होश उड़ गए। अरे साहब, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, आपके बड़े साहब भी मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं। एक सिपाही हड़काते हुए बोला, दरोगा जी का नाम लेकर बचना चाहता है? साले सब कुछ बता दे कि तेरे गैंग में कौन कौन है, तेरा सरदार कौन है, तूने कहां हथियार सप्लाई किए, कितनी जगह लूटपाट की, तू अभी थाने चल। थाने में दरोगा साहब को देखते ही नाई पैरों में गिर पड़ा, साहब साहब बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। दरोगा ने नाई की तरफ देखा और फिर सिपाहियों से पूछा, क्या हुआ? सिपाही ने वही जंग लगा हुआ असलाह दरोगा के सामने पेश कर दिया, सर जी मुखबिर से पता चला था, इसका गैंग है और हथियार सप्लाई करता है, इसकी दुकान से ही यह पिस्तौल मिली है। दरोगा सिपाही से कहता है, अच्छा तुम जाओ, मैं पूछताछ करता हूं। सिपाही के जाते ही दरोगा हमदर्दी से बोले, ये तूने क्या किया? नाई घिर गया, सरकार मुझे बचा लो। दरोगा गंभीरता से बोला, देख ये जो सिपाही है ना, साले एक नंबर के कमीने हैं, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो ये मेरी शिकायत ऊपर अफसर से कर देंगे, इन कमीनों के मुंह में हड्डी तो डालनी ही पड़ेगी। मैं तुझे अपनी गारंटी पर 2 घंटे का समय देता हूं, जाकर किसी तरह 20,000 का इंतजाम कर, 5,000 चारों सिपाहियों को दे दूंगा तो ये मान जाएंगे। नाई रोते हुए बोला, हुजूर मैं गरीब आदमी, 20,000 कहां से लाऊंगा? दरोगा डांटते हुए बोला, तू मेरा अपना है इसलिए इतना सब कर रहा हूं, तेरी जगह कोई और होता तो अब तक जेल पहुंच गया होता, जल्दी कर वरना बाद में कोई मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। नाई रोता कलपता घर गया। अम्मा के कुछ चांदी के जेवर थे, चौक में एक ज्वेलर के यहां बेचकर किसी तरह 20,000 लेकर थाने में पहुंचा और सहमते हुए 20,000 रुपए दरोगा जी को थमा दिए। दरोगा जी ने रुपयों को संभालते हुए पूछा, कहां से लाया ये रुपया? नाई ने ज्वेलर के यहां जेवर बेचने की बात बताई तो दरोगा जी ने सिपाही से कहा, जीप निकाल और नाई को हथकड़ी लगा के जीप पे बिठा ले, दबिश पे चलना है। पुलिस की जीप चौक में उसी ज्वेलर के यहां रुकी। दरोगा और 2 सिपाही ज्वेलर की दुकान के अंदर पहुंचे। दरोगा ने पहुंचते ही ज्वेलर को रुआब में ले लिया, चोरी का माल खरीदने का धंधा कब से कर रहे हो? ज्वेलर सिटपिटाया, नहीं दरोगा जी, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। दरोगा ने डपकते हुए कहा, चुप, बाहर देख जीप में हथकड़ी लगाए शातिर चोर बैठा है, कई साल से पुलिस को इसकी तलाश थी, इसने तेरे यहां जेवर बेचा है या नहीं, तू तो जेल जाएगा ही, साथ ही दुकान का सारा माल भी जब्त होगा। ज्वेलर ने जैसे ही बाहर पुलिस जीप में हथकड़ी पहने नाई को देखा तो उसके होश उड़ गए, तुरंत हाथ जोड़ लिए, दरोगा जी जरा मेरी बात तो सुन लीजिए। कोने में ले जाकर मामला 1,00,000 में सेटल हुआ। दरोगा ने 1,00,000 की गड्डी जेब में डाली और नाई ने जो गहने बेचे थे वो हासिल किए और फिर ज्वेलर को वार्निंग दी, तुम शरीफ आदमी हो
और तुम्हारे खिलाफ पहला मामला था, इसलिए छोड़ रहा हूं, आगे कोई शिकायत ना मिले। इतना कहकर दरोगा जी और सिपाही जीप में बैठकर रवाना हो गए। थाने में दरोगा जी मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे, साले तेरे को समझ में आया रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? नाई सिर नवाते हुए बोला, हाँ माई बाप, समझ गया। दरोगा हंसते हुए बोला, भूतनी के संभाल ले अपनी अम्मा के गहने, और ये 1000 और ले और रख ले, और आते जाते याद कर ले, हम रस्सी का सांप ही नहीं बल्कि नेवला, अजगर, मगरमच्छ सब बनाते हैं। बस आसामी बढ़िया होनी चाहिए।